मैं कह रहा यूपी में आ जा, कैराना लोकसभा से आ जा, उसका इलाज बांध दूंगा। और इसका इलाज होने वाला है, इसके इलाज में देरी नहीं है। आज टिकेट साहब भी आए और हम भी बैठे हुए हैं। एक आदेश की दे रहे हैं, 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख किसान भी यही है। इसकी बेटियों का सवाल है, हमने लड़ाई लड़ी थी पहले 13 महीने पेट की लड़ाई के लिए। पेट का जो अनाज हम खाते उस पर ताला लग रहा है कारपोरेट का। और आज लड़ाई है हमारी वो अभिमान सम्मान की लड़ाई है। पहले अगर हमारे गैल काम हुए वो खेती के लिए था, खेती बचाने का झगड़ा था हमारा जब हमने आंदोलन करा। आज इज्जत बचाने का, याद रखे सरकार, इतिहास उठा के देख लेना, रामायण हुई, महाभारत हुआ, महिलाओं के ऊपर हुआ। और आज ये महिलाएं इसे डस के जाके खत्म कर देगी, जो अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान को निकल रहे। एक बार यहाँ बक्कल तार देंगे, उसके बुला के ले आओ ना ऐसा ब्रजभूषण प्रधानमंत्री ने नाक रगड़ी, नो कहा देश के प्रधानमंत्री ने, मेरी तो बच्चे में कमी रह गई थी। अरे भाई तुम तो बोल लो भाजपा वाली मिल गया दिक्कत है ये। अगर इन देश की बेटियों के साथ जरा सा भी अत्याचार होता है तो हम इस देश की ईंट से ईंट मिटाने का काम करेंगे। सरकार को धंधे मिला इंटरव्यू दिखावे, क्योंकि वो भाजपा का आदमी है ना, और भाजपा ने खरीद रखी वो मीडिया। अब हम तो तुम्हारा बलात्कारी सम्मानित हो सके कभी? बलात्कारी सम्मानित हो सके क्या? उस पर 38 मुकदमे पहले भी कौन सा सीट हो लिया उस पर लो, जब तक तुम पावर में रहोगे। अगर यही मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ होता पासको एक्ट के तहत तो मुझे कितने दिन लगते हैं अरेस्ट होने में, या आपको कितने दिन लगते? 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग है। मेरे रिश्तेदारों को पीट देते, ठीक है, मेरे घर पर बुलडोजर फेर देते, लेकिन ये देश की जनता देख रही है। क्या लगा वो एक बड़ा सत्ता पर बैठा हुआ आदमी है, मंत्री है, वो माननीय सांसद है ना, वो देखिए जनता के प्रतिनिधि है। अरे माननीय सांसद कितने दिन का हो, सांसद कितने दिन के लिए चुना जाता है? बाहर से बन रहे लगातार 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर सरकारी अफसर हो तो सोचते बस जीवन की नौकरी की बात है, लेकिन जहां बेटियां इल्जाम लगा रही है और बता रही है कि वास्तविकता ये है, और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल FIR दर्ज नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज कर रहा है और उसके बाद में अरेस्टिंग नहीं हो रही, ये मेरे देश के दुर्भाग्य की बात। सरकार क्यों चुप है इस मामले पे? सरकार अपना इलाज करवाना चाह रही, उसका इलाज न होगा अब उसे जाना 2024 में तो जाएगी कैसे? रहने दो, ये तो आप लोग 22 में भी कहते हैं, कहते थे, सुन दो लोग आप। ये भारत का इतिहास है, जब कोई आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होता है, रामलीला ग्राउंड में पहुंचता है, जिस दिन ये आंदोलन रामलीला ग्राउंड में पहुंचता है भाजपा खत्म है। वो चुनौती दे रहे हैं आपको, नहीं लग रहा है राजनीति की भेंट में कौन दे रहा चुनौती? ब्रजभूषण को ले मेरे क्षेत्र में लोग लड़वा चुनाव आ जा, मैं लड़ूंगा एक साधारण आदमी के साथ। यूपी में कोई भी मेरे सामने चुनाव, मैं कह रहा यूपी में आ जा, कैराना लोकसभा से आ जा, उसका इलाज बांध दूंगा। और इसका इलाज होने वाला है, इसके इलाज में देरी नहीं है। आज टिकेट साहब भी आए और हम भी बैठे हुए हैं। एक आदेश की दे रहे हैं, 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख किसान भी यही है। और इलाज हो रहा है हमारे, जो इन्होंने IT सेल बैठा रखी ना, इसका इलाज तो हो लिया हमने। तो रामदेव के आश्रम में है आजकल, देखिए हाल ये बैठे नहीं है तो रामदेव का ऐसा विश्वास हो रहा है आप पे? पर रामदेव का आश्रम एक बात का योग करना गलत है क्या? वो आप विरोध कर रहे थे देखे किसान आंदोलन का? अरे विरोध कर रहे थे, योग करना गलत है क्या? अगर कहीं हम चले जाएंगे योग करण जाएंगे, अपने शरीर को ठीक करने जाएंगे, तो क्या वो गलत है? रामदेव ने यहाँ ठीक होते हैं सब, तो क्या बात है? एक बात बताइए, भाजपा वाले आकर के हमारा अनाज नहीं देख रहे थे है भाई? भाजपा वाले नहीं आकर थे हमारे आंदोलन में लुक लुक के? कौन क्या नहीं आता था? तो तुम्हारे कैमरे अपने पैर देखा करो ना कैसे लेकर आते थे। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज देश की बेटियों का सवाल है। हमने लड़ाई लड़ी थी पहले 13 महीने पेट की लड़ाई के लिए। पेट का जो अनाज हम खाते उस पर ताला लग रहा है कारपोरेट का। और आज लड़ाई है हमारी बेटियों की। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि एक ही परिवार क्यों आंदोलन कर रहा है? पहले भी तो चंद लोग ही आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन। इनका तो काम है बिरादरी में बांटना। जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर के आई है बेटिया, उस दिन क्यों नहीं एक बिरादरी के साथ जोड़ा गया? उस दिन पूरे भारत का आंदोलन था, उस दिन पूरे भारत के लिए गोल्ड मेडल आया था। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि मैं लेकर के आया हूँ मेडल। ये यौन शोषण का मामला नहीं है, फेडरेशन में राजनीति हो रही है। राजनीति खत्म कर दो ना, उसे भेजते जेल में। कोई 7 लड़कियां ऐसे इल्जाम लगा दे, तुम लाटो ना एक लड़की ऐसी जो इल्जाम लगाती हो बिना बात में। कोई लगा देगी? कोई भी लड़की अपनी इज्जत को ऐसे नहीं उछाड़ेगी सारी दुनिया के सामने।
लड़की के लिए बहुत बड़ी स्वाभिमान सम्मान की बात होती है और ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। पहले अगर हमारे गैल काम हुआ वो खेती के लिए था, खेती बचाने का झगड़ा था हमारा जब हमने आंदोलन करा। आज इज्जत बचाने का, याद रखे सरकार, इतिहास उठा के देख लेना, रामायण हुई, महाभारत हुआ, महिलाओं के ऊपर हुआ और आज ये महिलाएं इसे डस के जाएगी, खत्म कर देगी, जो अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान को नहीं थमने देती। तो कह रहे हैं ना मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है, कार्यकाल नहीं परमानेंट ही खत्म होने वाले, परमानेंट ही चले जाएंगे। ब्रजभूषण भी चला जाएगा, जो देश का जो प्रधानमंत्री भी चला जाएगा। मुझे कह रहे हैं मुझे फांसी पे डाल दो, मेरा इस्तीफा ले लो, कुछ भी ले आना, बुला के एक बार यहाँ बक्कल तार देंगे उसके, बुला के ले आओ ना ऐसा ब्रजभूषण को, ब्रजभूषण के ले आओ तार के, और बक्कल ही तारे हम गोला लट्ठी देकर भूसवाड़े कोठे में घेर के इतने संटे मारेंगे, खाल खड़ी कर देंगे। 13 महीने में तुम्हारा सरकार ने उतार दिया बक्कल, हमने हमारा कहा उतरा सरकार का बक्कल तार कर गए, देश के प्रधानमंत्री ने नाक रगड़ी, नो कहा देश के प्रधानमंत्री ने मेरी तपस्या में कमी रहेगी थी है, और भाई तुम तो बोल लो भाजपा वाली मिल गया दिक्कत पैसा वैसा, आप भूल गए, मिल गया पैसा वैसा, भूल गए मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, बयान देते हैं, राजनीति में कोई विकल्प है या तो आप राजनीति का हिस्सा है या शिकार है, अभी तो शिकार नहीं होते किसने सारे प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं होता राजनीति में, जो करा सब पता, वह मशीन हटवा दो कल को पता लग जाएगा, पर मैं जनों बता कितने पैसे में खरीदा भाजपा ने, है भाई कितने में खरीदा, नहीं तो पूछो क्या दाम लगाए, अरे कौड़ियों का भाव तो नहीं बिका, भी बता दे सारी गोदी मीडिया बिकी, एक चैनल बज रहा 24 न्यूज 24, उससे पहले NDTV था वो भी बिक गया, न्यूज 24 बच रहा है कि बचा, अरे सोशल मीडिया जिसके द्वारा हम बात उठाते हैं, पर हम इतना बता रहे सरकार को, ये देश का सम्मान है, देश की बेटियां हैं, केवल एक बिरादरी की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटियां हैं ये, अगर इन देश की बेटियों के साथ जरा सा भी अत्याचार होता है तो हम इस देश की ईंट से ईंट मिटाने का काम करेंगे, सरकार को धंधे मिला देंगे, ये कान खोल कर सुन ले सरकार, वो सच बोल रहा कि एक बड़ा सच्चा आदमी है वो, है दुनिया का सबसे झूठा बड़ा आदमी, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी देश का प्रधानमंत्री, और सर्टिफिकेट तो उसका, उसका सर्टिफिकेट देश का गृह मंत्री बैठ कर बताता है, जिम्मन जी 15 लाख रुपए अपने मांगे कहा है, और देश की जनता मांग रही थी, देश का गृह मंत्री बता रहा है, देश का वहां भी आ रहा, वहां आ जा पहले, प्रधानमंत्री झूठा कहा है, अब 15 लाख रुपए कहा है, तो कह गए अमित शाह नू कह के लगा वो तो जुमला था, तो जुमला कहीं को बोले झूठ को तो बोल रहे, तो वो झूठ था, राजनीतिक बयान था, राजनीतिक बयान था, तो ये भी तो राजनीतिक बयान ही है सर, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, एक समस्या और बनी, फिर देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने उनको कह दिया, कह लगा मैं तो 5वीं पास हूँ, तो गृह मंत्री को डिग्री बनवानी पड़ी 5वीं की, फिर बता दे 10वीं पास हूँ, आप सारी चीजें पहले डिग्री तो सुन लो, सारी चीजें ध्यान से देख, अरे बोल तो लेने दे मुझे, फिर बता दिया कहला 10वीं पास हूँ मैट्रिक, अमित शाह लग गया 10वीं की कागज बनवा, फिर कहते वो 12वीं पास, फिर 12वीं की बनवाई, फिर एक दिन इंटरव्यू में कहते हैं मैं तो गरेज बैठू, जहाँ गरेज में सर की बनवाई, क्या लगा बेचारा कितनी बतावागा डिग्री कहाँ का बनवाऊ, बेचारा ने जू तू करके बनवा, मैं भी गलती बनवा दी, पकड़ी गई और वायरल करी, वा कैसी होगा डिग्री नहीं होती, डुप्लीकेट कॉपी है भाई, बात करो पुलवामा पे, पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए उस पर बात करो, और बात करो पहलवानों पे, दोनों चीज दाब रहे हो ना, पहलवानों को भी दाब रहे और पुलवामा को भी दाब रहे, मीडिया बहुत ठारी ना आपकी, कहाँ ठारी, कौन सी मीडिया ठारी, अरे कोई सीन ठारी, अतीक को दिखा रहे और अतीक की बहू को दिखा रहे, इन पहलवानों के बारे में नहीं बता रहे कोई भी, हाँ ब्रजभूषण का इंटरव्यू दिखा रहे, क्योंकि वो भाजपा का आदमी है ना, और भाजपा ने खरीद रखी वो मीडिया, अब हम तो तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा अपनी बातों को रख देते हैं, मोदी जी ने मन की बात कही, बीजेपी कह रही है कांग्रेस का, मोदी जी ने मन की बात कही, शतक लगाया और लोग मुझे कान में बार गाली दी लोगों ने, तो नोट कर रहे प्रधानमंत्री जी, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसको गालियां मिली हो, अरे तुम एक काम करो ना, जब तुम्हें यह समस्या थी कहला राजनीति हो रही, जब तुम पहले दिन मेडल लेने के बाद तुम फोटो खिंचवा सको,
तो भाई जब ये आंदोलन में बैठे थे यहाँ से, जब आंदोलन रखा था 3 महीने पहले, जब ही मिल लेते फोन करके, या आज मिल लो आकर के, क्यों करण दो किसी को राजनीति? अरे राम दे, रामदेव को ललकार दे, उसे ललकार दे, अरे ये सब नकली है, भाजपा भाजपा के कार्यकर्ता है, इनका तो ब्रुच ब्रुच हो जाग रहा है इनकी तो। अरे तो पहले तो आप भाजपा के कार्यकर्ता? हाँ मैं वोट दी थी 2014 में, मैंने 2014 में भाजपा को वोट दी, और उसका अंजाम क्या है? मुझसे मेरी स्वाभिमान की और मेरी बोलने की स्वतंत्रता छीन ली, मैं उसके बाद वोट नहीं दिया, और मेरी कई पिड्डी भी वोट नहीं देने की, एक बार की वोट का तो फायदा था ले सरकार ने मेरी का, अब की बार तो इलाज करेंगे। क्या चाहते हो, जेल जाए ब्रजभूषण पहले? सेकंड से पहले जेल में जावा, जब तक जेल नहीं जाएगा तब तक आंदोलन नहीं उठेगा यहाँ से। जांच भी होने दोगे आप पहले? जांच किसकी हो यार, किसकी होती है जांच? बता, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा लग जाता है ऐसा, तो पहले जांच करवाओगे? जांच नहीं होनेगी, जांच का क्या मतलब है उसमें भाई? अगर एक आदमी ने बलात्कार करा या एक आदमी ने शोषण करा, उसके ऊपर FIR कर दोगी? तो जांच का काम बांध का है, पहले जेल है। वो तो कह रहे लोग पटर करके, मैं निर्दोष हूँ, मैं क्या लोगों में निर्दोष हूँ? तो निर्दोष होते मैं, ऐसे कैसे निर्दोष होते आदमी? जांच होगी ना, तो बात में होगी, पहले जेल में गिरो सारे घुसे, जब जेल में गिरे उसका लाश कर उसको फट्टे मारो तू तू, जब जाकर बुद्धि ठीक होगी उसकी। कानून का रास्ता ही तो है, अगर मेरा ही मुकदमा होता पुलिस पकड़ गए भीतर गिर गए, मेरा पिछोड़ा तोड़ देती, मेरे पिछोड़े पे लट मार दी, कई पिट्टी दूबती, मारो ना उसका लट ले जाएगा। हम सम्मानित नहीं है, हमारे तो बड़ा सम्मानित क्या है वो, हम अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ते हैं, सम्मानित बता रहे आज बलात्कारी सम्मान सम्मानित हो सके कभी? बलात्कारी सम्मानित हो सकेगा क्या? उस पर 38 मुकदमे है पहले भी, कौन सा सीट हो लिया उसमें? बोलो जब तक तुम पावर में रहोगे प्रशासन को भगा दोगे, पहले थे वो। हाँ तो हटे कैसे, लगे कहाँ से? क्या बक्कल उतरेंगे इनके, इनके बुद्धि ठीक करेंगे, इनके बुद्धि ठीक करेंगे।